एकादशी की विधि यही है। लोग पूछते हैं कब से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, क्या नियम है, तो एकदम मिनिमम नियम, छोटे से छोटा नियम वो इतना है कि एकादशी को किसी भी रूप में अन्न ग्रहण नहीं करना है। ये सबसे छोटा नियम है। अब इसके ऊपर जिससे जितना निभे, तो भोजन पानी में नियम ये है कि अन्न ग्रहण नहीं करना है किसी भी रूप में। और विधि के उस दिन हरिनाम संकीर्तन करना है, ये भले एक घंटा हो, हरिनाम संकीर्तन उस दिन करना है। यदि आसपास के लोगों को बुला करके किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितने मुख से हरिनाम निकले, नहीं तो अपने घर में एक दो लोग बैठ करके हरिनाम करें, तो कम से कम एक घंटा तो कीर्तन हो। यह सब में बड़ी विधि है। अपने यहाँ कथा पढ़ना कहना ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कथाओं में प्रायः सकामता का वर्णन है कि ये एकादशी करे से ये होगा, ये एकादशी करे से ये होगा, तो वो फल प्रधान एकादशी वैष्णवों की नहीं है। गौरांग महाप्रभु जी जिन एकादशी की महिमा गाए हैं, वो एकादशी ठाकुर जी को प्रसन्न करने वाली हैं, भगवान की प्राप्ति कराने वाली हैं। इसलिए प्रत्येक एकादशी में ये भी आवश्यक नहीं है और उद्यापन की भी अनिवार्यता नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए एकादशी नहीं रख पाते कि उद्यापन करना पड़ेगा और हमारे पास उतना खर्चा नहीं है, तो अनिवार्यता नहीं है। अगले दिन द्वादशी को आपने गैया को एक रोटी दी, हो गया उद्यापन, कोई बात नहीं, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो एकादशी की सबसे बड़ी अनिवार्यता यह है कि अन्न किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना। अब एकादशी को क्या पाना है क्या नहीं पाना है, इस पे बड़े वाद विवाद होते हैं। कोई कहता है ये पाना है, कोई कहता है ये नहीं पाना। तो इसका उत्तर ये है कि गुरु स्थान को देखना चाहिए कि जो गुरु घर है, गुरु स्थान है, वहाँ पर क्या प्रचलन है, परंपरा से क्या होता आ रहा है, तो उसके अनुसार पालन करना चाहिए। अब आजकल तो कुछ लोग गाजर भी खा रहे एकादशी को, मूली भी खा रहे और पता नहीं क्या क्या पाते हैं, टमाटर भी पा रहे हैं। अब ये सब नहीं है एकादशी को, गाजर मूली टमाटर मटर तो बचा ही क्या, फिर बोले बस जो माने कि गेहूं चावल मक्का बाजरा बस इसको छोड़ दो, नहीं नहीं, तो सब्जियों में आलू अरबी सीताफल और लंबे वाला घिया, गोल भी घिया नहीं, आलू अरबी सीताफल पेठा जिसको कहते हैं और लंबे वाला घिया, फलों में लगभग सभी फल, और मसाले में सेंधा नमक काली मिर्च इसका प्रयोग करें, हरा धनिया हरी मिर्च ये भी प्रयोग होती है। लाल मिर्च का कहीं मना किया गया तो इसलिए चूंकि वो सरसों का तेल डालकर कुटती है, अगर किसी ने अपने से अलग बना रखी है लाल मिर्च तो प्रयोग हो सकता है, क्योंकि हरी मिर्च से ही लाल मिर्च बनती है, पर सरसों का तेल डाल के कूटे तब फिर प्रयोग नहीं होगी। मेथी का प्रयोग नहीं है एकादशी को। और तेल में मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल नहीं, सोयाबीन तो अन्न है, उसी के तेल में पकौड़ी बना ली तब तो फिर अन्न ही हो गया वो, तो मूंगफली का तेल। और बाकी दूध दही तो ले ही सकते हैं, तो ये सब फलाहार तो नहीं है, ये फुलाहार है, तो फिर जिसका जैसे शरीर से निभ जाए। पर ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि सवेरे से शाम तक केवल मेनू की चिंता न रहे कि मैं क्या बदल बदल के बनाऊं, और उससे पूछ उससे पूछ, इस बार मैंने ये बना के देखा, उस बार मैंने वो बना के देखा। अरे कूटू सामक सिंगाड़ी, एक राजगिरी का आटा आता है
जिनको कुटू सूट नहीं करता तो राजगिरी का आटा विफलाहार है। लेकिन बात यही है कि इतनी सब जो ये हमारे मन से कही हुई बातें नहीं, गुरु लोगों की ही हैं कही हुई बात, बड़ों की बातें हैं, हमने न तो एक रत। तो कुल मिलाकर के शरीर से जैसे निभ जाए वो काम करना है, पर मुख्य बात यह है कि केंद्र में भजन रहे। मैं अगर प्रतिदिन 4 माला करता हूँ तो आज बढ़ा करके 6 माला करूँ, 8 माला करूँ, ये नहीं कि और दिन तो जल्दी फ्री हो जाते थे रसोई से, आज पूरा दिन रसोई में बीत गया कि क्या क्या चीज़ बना लूँ, क्या क्या चीज़ खा लूँ। ठीक, प्रयास करें कि घर के सभी लोग व्रत रखें, बच्चों से भी व्रत रखाइए। हाँ, ध्रुव जी ने व्रत रखा है एकादशी का, प्रहलाद जी व्रत रखते हैं एकादशी का, बालकों से व्रत रखाइए। अम्बरीश जी महाराज के राज्य में तो कहा ना पशु पंछी भी व्रत रखते, तो अब बालकों के लिए फलाहार की सामग्री बनाइए, स्कूल भी जाना है तो टिफिन में वही रख के दीजिए। तो प्रयास यही कि सब लोग एकादशी रखें, नहीं रख पाते तो फिर जितने लोग रखें उतना रखें। तो मिनिमम जो न्यूनतम नियम जो है वो है कि अन्न नहीं लेना। अब इसके ऊपर फिर जितना निभ जाए, कोई कहे कि हम लोग निर्जल निराहार रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई कहे हम रात को दशमी को भी नहीं लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, दशमी को भी न ले रात को और एकादशी को निर्जल निराहार रहे, और फिर द्वादशी में किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को अथवा गैया को जिमा करके तब फिर पाए। इतना न हो तो फिर जल आदि लेता रहे और बाकी और कुछ न ले। इतने से न निभे तो जल के साथ में दूध भी ले ले, दूध से निर्वाह हो जाए, दही से निर्वाह हो जाए, नहीं तो फिर फल, पेड़ पर जो पके हुए फल हैं उनको लेकर के रहे। इतने से भी न बने तो फिर एक समय ये जो अग्नि पे सिद्ध होता है फलाहार इसको लेके रहे, और इतने से भी न निभे तो फिर महात्मा लोग हंस के कहते हैं कि ग्यारस का माने, ग्यारस माने के दिन में 11 बार फलाहार लिया जा सकता। तो फिर जिससे जैसा निभ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग 11 बार शुरू कर दें। एक महात्मा कहते कि 11 बार तक फलाहार लो तो व्रत नहीं टूटता, 12वीं बार में टूटता होगा, तो ये तो फिर ज़्यादा ही छूट हो गई। पर मुख्य बात यह है कि अन्न किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना। भगवान आज्ञा करते हैं कि एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करता है वो मेरे सीने पर खंजर मारता है। तो जिन राधा माधव का हम भजन करते हैं उनके सीने पर खंजर चलाएंगे क्या, अपने ठाकुर के सीने पर? तो जो एकादशी को अन्न ग्रहण करता है वो मेरे सीने पर शूल चलाता है, तलवार मारता है। तो भगवान के मुख के ऐसे वचन है, तो इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जैसे सुहागिन माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपने पति की प्रसन्नता के लिए, दीर्घ आयु के लिए, ऐसे ही ये एकादशी भी वैष्णव मात्र की करवा चौथ के समान है। भगवान प्रसन्न होते हैं, साधक पर कृपा करते हैं और श्री कृष्ण चरणों की भक्ति उसको प्राप्त होती है। ये एकादशी भवबंधन का विनाश करने वाली है। एकादशी की खूब महिमा भागवत जी में कही गई है। भगवान की रानियां एकादशी रखती हैं, रुक्मणी जी एकादशी व्रत रखती हैं, सत्यभामा जी एकादशी व्रत रखती हैं। रुक्मणी जी एक तो तुलसी महारानी की सेवा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा इसका पालन करती हैं भगवान की रानियां। अब उनसे बड़े थोड़ो हो गए हम, ब्रज में नंद यशोदा जी एकादशी व्रत रखते हैं। तो मानव मात्र को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए।
तो एकादशी महारानी को प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए श्री एकादशी महारानी की जय हो। अम्बरीश जी महाराज ने जो एक वर्ष का नियम लिया कि वृंदावन में रह कर के मैं एक साल एकादशी करूंगा, तो आज से ही लिया उन्होंने। आज के दिन अम्बरीश जी महाराज ब्रज में आए और एक वर्ष तक वास किए। तो हम लोग एक वर्ष नहीं तो 7 दिन तो वास कर ही रहे हैं, तो आज की एकादशी की बड़ी महिमा है। सब लोग हरि नाम करें, सब लोग वैष्णव बने, सब लोग निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें और सबको प्रेरित भी करें एकादशी व्रत के लिए। अपने से रखें और अपने रिश्तेदारी में, इतनी तो बातें सब लोग करते रहते हैं, तू कैसा मैं कैसा, कब आओगे कब जाओगे, वो कैसा ये कैसा, ये सब बात करते रहते हैं। बात करनी है तो अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, जहाँ भी लगता है कि मान जाएगा, अरे एक बार कहेंगे मना तो कर देगा, और कहिए ना, जो कोई भी है आपकी बहन भाई ससुराल पीहर जो कोई, एकादशी के लिए कहिए, भैया एकादशी रखो एकादशी रखो। ये संसार में कमीशन मिलती है ना, ऐसे भगवान के दरबार में भी कमीशन है। संसार में गड़बड़ हो जाती है, ठाकुर जी के दरबार में गड़बड़ नहीं होती। आप जितने लोगों को एकादशी व्रत के लिए प्रेरित करेंगे, भगवान आपका कमीशन देंगे आपको। अपने घर में काम करने वाली जो बाई है उससे एकादशी रखाइए। अपने कितने वैष्णव लोग रखाए, वो कहेगी मैं फलाहार नहीं बना पाऊंगी, तो मंदिर थाली मत भेजिए, कोई बात नहीं, पंडित जी के पास बहुत थाली आती है, उनके यहाँ पाने वाला नहीं कोई। अपने घर में जो काम करने वाली बाई आती है, सफाई वाली है, उसको एकादशी रखवा दीजिए और उसको फलाहार करवा दीजिए, बिना सोचे समझे उसको व्रत करवाइए आप। तो अन्य लोगों को व्रत करने की प्रेरणा दें, ठाकुर जी इससे प्रसन्न होते हैं। तो आज एकादशी की पावन तिथि है, श्री ठाकुर जी का आज फूल कुंज में दर्शन हो रहा है। रोजी दिव्य दर्शन होते हैं। आज भावना है कि प्रिया प्रियतम यमुना जी के तट पर विराजमान है, पुष्पों का श्रृंगार धारण करके यमुना जी के तट पर प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, तो राधा गोविंद जी का दिव्य रूप में हमको दर्शन हो रहा है।